आपकी बॉडी में जो एटीपी बन रहा है, जो एनर्जी बन रही है, वो किस किस माध्यम से बनी, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी मतलब जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। आप कौन कौन से ऐसे सिस्टम है, ये देखिए, ये दोनों मैंने, ये अलग अलग है, किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तरीका एक ही है। हमारी बॉडी में जो एटीपी होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स से प्रोड्यूस होता है, बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा एटीपी प्रोडक्शन, आपकी टाइप ऑफ एक्टिविटी, इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इस पे डिपेंड करेगा। अभी आप ध्यान रखिएगा हमेशा, एटीपी का प्रोडक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, किस टाइप की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उस पे डिपेंड करता है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या एटीपी प्रोडक्शन, नॉर्मली लिखा हुआ है, एटीपी किस किस माध्यम से प्रोड्यूस होता है। सबसे पहला सिस्टम हमारी बॉडी में है एटीपी पीसीआर सिस्टम। आप सबने एटीपी के बारे में अपने मास्टर डिग्री में पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज एटीपी नॉर्मली, और मैं यहां भी पढ़ाऊंगा आपको कि एटीपी होता क्या है। और ये हमेशा अपने माइंड में रखना, एटीपी अगर आपकी बॉडी में स्टोर है वो तब तक एनर्जी नहीं देगा जब तक वो टूटेगा नहीं। टूटेगा कब, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कोई कर रहे हो, कोई मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करेंगे तभी वो टूटेगा आपकी बॉडी से, अदरवाइज वो स्टोर है ऑलरेडी मसल्स में, आपकी आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल्स में ऑलरेडी एटीपी स्टोर रहता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो उसे बनाने के लिए आपकी बॉडी में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, उसका टूटना जरूरी है एटीपी बनाने के लिए। अब ये डिपेंड करता है आप किस टाइप की एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर क्योंकि वॉल्यूम और इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है कि एटीपी पीसी सिस्टम काम करेगा, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम काम करेगा या ऑक्सीडेटिव सिस्टम काम करेगा। सबसे पहला सिस्टम होता है एटीपी पीसी सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। इसमें दो भाग हो जाते हैं, एक एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, एक एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। तीसरा होता है ऑक्सीडेटिव सिस्टम। इसके दो दो केमिकल रिएक्शंस हैं इसमें, पहली है क्रेब साइकिल, दूसरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ये एक बुक में ऐसा लिखा होगा, अब जो राइट साइड में मैं दिखा रहा हूं ये दूसरा तरीका बता रखा है, लेकिन सेम ही है। बस ये क्या है कि एक बुक में ऐसे इसको बाइफरगेट कर रखा है, तोड़ रखा है एटीपी प्रोडक्शन, और एक बुक में ऐसा। दूसरी बुक में क्या लिखा है कि दो टाइप की मेटाबॉलिज्म है, एटीपी प्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक तो एरोबिकली होता है, एक एनारोबिकली होता है। एनारोबिक प्रोडक्शन एटीपी का सिर्फ दो केमिकल रिएक्शन है, पहली है एटीपी पी सिस्टम काम करता है बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस काम करती है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। एनारोबिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है और एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक मेटाबॉलिज्म का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन, एरोबिक मेटाबॉलिज्म के अंतर आता है। इसमें तीन केमिकल रिएक्शन आ जाती है, पहली एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्रेब साइकिल और तीसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यही सिस्टम आपका एटीपी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं। और ये कैसे केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, आपका फैट का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा पार्ट जो बॉडी में स्टोर होता है, हमारी बॉडी में फैट थोड़ा स्टोर होती है, हमारी बॉडी में फैट के जो और केमिकल्स हैं वो स्टोर होते हैं, फैट के पार्ट स्टोर होते हैं। फैट का पार्ट कौन सा है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट, ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, या ग्लाइकोजन, वो हमारी बॉडी में स्टोर होगा। अब ये ग्लाइकोजन कौन सी चीज होगी भाई, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक बड़ा रूप है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक ग्लाइकोजन बनाते हैं। ग्लूकोज को हमारे बॉडी में स्टोर होने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ग्लूकोज हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड में ही रहता है, अदरवाइज अगर उसको हमारी बॉडी में स्टोर करना है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और ग्लाइकोजन क्या है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके ग्लाइकोजन बनाते हैं। कहाँ स्टोर होगा हमारी बॉडी में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में, सिर्फ दो जगह, ये भी ध्यान रखना है, ये नेट के पर्पज से बोल रहा हूं मैं। पहली
पहली जगह है आपका लीवर। लीवर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, रहता है। दूसरी प्लेस है आपकी बॉडी में स्केलेटल मसल, आपकी मांसपेशियों में, ठीक है। इन दो ही जगह ग्लाइकोजन स्टोर होता है, और होता ग्लूकोज ही हो, बस वो ग्लूकोज को अगर स्टोर होना तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तीसरा प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे छोटा पार्ट क्या है, एमिनो एसिड्स, ठीक है, वही आपको टूट का एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम, ये आप याद कर लीजिएगा, नेट के पर्पज से आपको पूछ सकता है वहां पर कि लीव कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कहां कहां पर स्टोर होता है और कितने ग्राम स्टोर होता है और कितने किलो एनर्जी देता है। नॉर्मली आपने सबने बीपेड में पढ़ा होगा कि भैया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने किलो कैलोरी देता है, फैट कितने किलो कैलोरी देता है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। तो जो लीवर ग्लाइकोजन है, मतलब लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, और ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का ही एक पार्ट है, बस बहुत सारे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जा रहे हैं। तो हमारे लीवर में अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना 100% नहीं, अप्रोक्सीमेटली 110 ग्राम लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, और मसल्स में अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम, याद रखना। आपके मसल्स में ग्लाइकोजन कितना स्टोर होगा, लगभग 500, ये नेट में आपसे पहले भी पूछा होता नेट में और एग्जाम्स में, ये मध्य प्रदेश का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ था, एमपी का जो स्पोर्ट्स ऑफिसर का, तो ये नेट के पर्पज से क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर में कितने ग्राम अप्रोक्सीमेटली ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, 110 के आसपास, मसल्स में 500 ग्राम लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन इन चारों में से किस में ज्यादा स्टोर रहता है, एक लिखा था स्केलेटल मसल्स, एक लिखा था लीवर, एक लिखा था ब्लड, और एक लिखा था हार्ट। तो अगर आपको पता होगा कि मसल ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हमारी मसल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में स्टोर रहता है, तो आप उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। ये आप ध्यान, ऐसी फैट में भी बोल रखा है यहाँ पर ही, इसको आगे पढ़ेंगे जब फैट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। अब एटीपी क्या होता है, नॉर्मली एटीपी आपने सुना होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता होगा एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा था एनर्जी रिजर्वायर क्या है, एनर्जी रिजर्वायर क्या है इन चारों में से, चार ऑप्शन दिए थे, एनर्जी रिजर्वायर पूछा था, एटीपी पहला ऑप्शन, पीसी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ग्लूकोज, चौथा फैट। तो सबने एनर्जी रिजर्वायर को आंसर दिया एटीपी, बिल्कुल गलत। एटीपी एनर्जी करेंसी है, और एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है कि ऐसा कोई केमिकल जिससे एटीपी बनने में बहुत ज्यादा हेल्प हो, सबसे मतलब सबसे तेजी से एटीपी बने, वो एटीपी रिजर्वायर कहलाता है, वो है क्रिएटिन फॉस्फेट, सीपी बोलते हैं उसे, या पीसी, फॉस्फोक्रिएटिन, या उसे क्रिएटिन फॉस्फेट बोला जाता है। तो एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको ऊर्जा सिर्फ एक चीज से मिलने वाली है, वो है एटीपी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, एटीपी ही आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किससे मिलके बना होता है, ये आपके नेट के पर्पज से आप याद रखिएगा कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये तीन चीजों से मिलके बना होता है, बस पहला तो फॉस्फेट से याद आ गया, मतलब तीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलके, दूसरा एक वर्ड होता है एडिनिन, ठीक है, ये एक बेस होता है कार्बन नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जिसे बोलते एडिनिन, और एक शुगर होता है जिसे बोलते हैं राइबोस। तो ये एडिनिन और शुगर दोनों मिलके एडिनोसिन कहलाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको पीपीटी में दिख रहा है कि कार्बन नाइट्रोजन बेस कॉल्ड एडिनिन पहला, अब 5 कार्बन शुगर कॉल्ड राइबोस, तो एक एडिनिन, एक राइबोस और 3 फॉस्फेट, तो ये तीन चीजों से मिलके क्या बना, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, और ये एनर्जी करेंसी कहलाता है। और ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी बॉन्ड बना के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा इसमें एनर्जी होती है जब ये जो बॉन्डिंग होती है तीन, अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूं आपको कि इसमें, ये डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा होगा डायग्राम यहां पर, इस डायग्राम में ये तीन प्रोडक्ट है, एक ये,
आपको मेरा वो दिख रहा होगा एरो, एक दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है, ऐसी सेम ये इस डायग्राम में है। तो ये जो ये है एडिनिन बेस, ये वाला, ये जो है शुगर, राइबो शुगर, और ये किससे जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ना, ये जो फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये इतनी हाई एनर्जी बॉन्डिंग होती है, बहुत हाई एनर्जी इनके बीच में। अगर कोई नेटवर्क क्वेश्चन पूछ जाए कि एटीपी इनमें से किस चीज से मिलके बना होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, एडिनिन राइबोज शुगर, एडिनिन बेस और थ्री फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों से मिलके आपका एटीपी बना होता है। और एटीपी जब टूटता है तो आपको एनर्जी मिलती है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना, एटीपी टूटने के बाद ही आपको एनर्जी मिलेगी। और एटीपी किस चीज से टूटता है, एटीपी टूटेगा एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उससे अलग निकल गया। देखिए इसमें मैं डायग्राम दिखाता हूं आपको, ये देखिए एटीपी का जब हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक है, वो एडीपी में टूटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटा, और कितने किलो कैलोरी एनर्जी उसने रिलीज करी 1 मोल एटीपी के टूटने से, 7.3 किलो कैलोरी। ये नेट में पूछेगा, 1 मोल ऑफ एटीपी टूटने के बाद टोटल 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 1 मोल एटीपी टूटने के बाद। ये नेट के पर्पस से आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, और ये आगे भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कितने मोल। तो एटीपी मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, एडिनिन और राइबोज शुगर और थ्री फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और जब भी यहां ध्यान रखिएगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग निकल गया, ठीक है, और कितने किलो कैलोरी एनर्जी दे रहा है, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एटीपी, ठीक है। और व्हेन एटीपी इज ब्रोकन डाउन, जब एटीपी टूटता है तभी एनर्जी रिलीज होती है। रीजनल एक्सर्शन में ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ध्यान रखना कि एटीपी गिव्स एनर्जी या एटीपी आफ्टर ब्रेकडाउन गिव्स एनर्जी, आफ्टर ब्रेकडाउन ही एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटी, क्यों बोला ये शब्द एनर्जी करेंसी, क्योंकि किसी भी टाइप की सेलुलर एक्टिविटी, किसी भी टाइप की एक्टिविटी करने के लिए आपको एटीपी ही ऊर्जा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आप ये ध्यान रखना, आप सो रहे हैं उस समय आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, इंटरनल ऑर्गन तो काम करेंगे सोते वक्त भी, कौन देगा, एटीपी। आप रनिंग कर रहे हैं, आपको एनर्जी चाहिए रनिंग करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कौन देगा, एटीपी टूटने के बाद, ठीक है। और एटीपी की स्टोरेज कैपेसिटी हमारी बॉडी में 80 से 100 ग्राम होती है, 80 से 100 ग्राम एटीपी ही हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है, ठीक है, उसके ज्यादा, उससे भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, आपको 1000 एटीपी की रिक्वायरमेंट है और आपकी बॉडी में तो 80 से 100 ग्राम ही है, तो भाई कहां से मिलेगा। तो जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज है, वो टूटकर एनर्जी देगा, एटीपी बनाएगा मतलब वो, और वो कैसे टूटेगा, वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के माध्यम से टूटेगा, वो क्रेब साइकिल के माध्यम से टूटेगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना आप। और किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को जल्दी पूरा करने के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ती है, आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एंजाइम की। तो मैंने क्या बताया कि एंजाइम एक वर्ड आता है, एंजाइम्स, ये आपने सुना होगा, एंजाइम्स का काम होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करना, स्पीड अप का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शंस को तेज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेमेन लैंग्वेज में बता रहा हूं, आग जली हुई है कहीं, ठीक है, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो आग बढ़ेगी या बुझेगी, आग बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब जो वो पेट्रोल है वो एंजाइम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एंजाइम का काम क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो जब एटीपी का ब्रेकडाउन एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी रिलीज होने में हो रहा है, उस समय एक एंजाइम काम करता है, उसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, मतलब एटीपेज एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, एटीपेज, नेट के पर्पस से याद रखिएगा, उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपेज, जब एटीपी टूट रहा होता है। अभी जब एटीपी बनेगा उस एंजाइम का नाम कुछ और होगा। टू रीजनरेट एटीपी, एटीपी के रीजनरेशन के लिए, मतलब एटीपी का जब रीजनरेट हो रहा है वो एटीपी, तो
एक फॉस्फेट ग्रुप दोबारा उसमें ऐड होना जरूरी है, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप जब एटीपी टूटा था तो एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ था, उससे अलग हो गया था। अब उसको दोबारा बनने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप दोबारा उससे जुड़ना चाहिए, और वो फॉस्फेट ग्रुप आएगा कहां से भाई, वो फॉस्फेट ग्रुप आएगा यहां से, इसे बोलते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। ये भी हमारी मसल्स में पाए जाने वाला दूसरा केमिकल्स है। एक केमिकल था एटीपी, दूसरा केमिकल है क्रिएटिन फॉस्फेट, इसको फॉस्फोक्रिएटिन भी बोल देते हैं, ठीक है। और ये एनर्जी रिजर्वॉयर कहलाता है, नेट के पर्पज से ध्यान रखना भाई, ये एनर्जी रिजर्वॉयर कहलाता है। ये भी हमारी मांसपेशी में मसल्स में होता है, और ये अपना एक फॉस्फेट किसको दे देगा, जब एडीपी से एटीपी बन रहा होगा तब वो अपना फॉस्फेट दे देगा। एक फॉस्फेट ग्रुप टू निकल कर एडीपी में जुड़ा तो वो फिर एटीपी बन गया, और उस वो प्रोसेस क्या कहलाती है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन ये ध्यान रखना वहां पे, टू जनरेट एटीपी और फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड टू रिलेटिवली लो एनर्जी कंपाउंड एडीपी। एडीपी में इतनी एनर्जी नहीं होती, एटीपी में होती है, ठीक है। तो एक फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से जुड़ता है, और जब वो जुड़ता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन। ये भी नेट के प्रेफर से आप ध्यान रखना, ठीक है। और जब एडीपी से एटीपी बनता है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, एडीपी छोटा है एटीपी बड़ा है, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। देखो उस समय भी उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और एटीपी बनने का बहुत तरीके हैं, मैंने बताया था, एक एटीपी ये तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है, एक एटीपी ग्लूकोज के टूटने से ही बनेगा, एक एटीपी फैट के टूटने से ही बनेगा, एक एटीपी प्रोटीन के टूटने से भी बनेगा, ठीक है। अब आता है क्रिएटिन फॉस्फेट, इसे एनर्जी रिजर्वोयर भी बोलते हैं, और आपने नॉर्मली देखा होगा स्प्रिंटर हाई इंटेंसिटी के वर्क करते हैं, वो क्रिएटिन नाम का एक केमिकल खाते हैं, क्रिएटिन क्या आप बोलते हैं, क्रिएटिन खाते होंगे सब लोग, वो क्यों खाते हैं, उनका क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट यही है, इस एनर्जी रिजर्वोयर को और बढ़ाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो और हम वो एक्टिविटी करते रहें। देखना लॉन्ग डिस्टेंस रनर कभी भी क्रिएटिनिन नहीं खाएगा, ठीक है, कौन खाएगा, जो स्प्रिंटर उस होते, क्यों, क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट तुरंत टूट अपना फॉस्फेट एडीपी को देता है, तुरंत एनर्जी देता है एटीपी, और तुरंत टूटता है वो सब चीजें, और स्प्रिंटर को तुरंत ही एनर्जी चाहिए, इतना टाइम तो है नहीं उसमें। तो क्रिएटिन फॉस्फेट इज रेडिली, मतलब बहुत जल्दी, फास्टली अवेलेबल टू द सेल्स एंड रैपिडली प्रोड्यूस एटीपी, बहुत जल्दी एटीपी प्रोड्यूस करता है क्रिएटिन फॉस्फेट। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन, हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, कितना अप्रोक्सीमेटली ध्यान रखना 120 ग्राम। तो हमारी बॉडी में 100 ग्राम अप्रोक्सीमेटली एटीपी पाया जाता है, कहां, स्केलेटल मसल्स में, और 120 ग्राम क्रिएटिन फॉस्फेट पाया जाता है, कहां पर, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। और ये क्रिएटिन फॉस्फेट और एटीपी इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फॉस्फेजन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोजन। क्रिएटिन फॉस्फेट और एटीपी दोनों को मिलाकर फॉस्फोजन बोल देते हैं। तो फॉस्फेजन क्या हुए, एटीपी प्लस क्रिएटिन फॉस्फेट, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, फॉस्फेजन। क्रिएटिन फॉस्फेट कैन बी कंसिडर्ड ए रिजर्वॉयर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास एक बहुत तगड़ा फॉस्फेट बॉन्ड रखता है अपने पास, किसको देने के लिए, एडीपी को देने के लिए, कि वो अपने पास रख के फिर उसको ट्राइफॉस्फेट बना दे। तो रिजर्वॉयर क्या हुआ, क्रिएटिन फॉस्फेट, एनर्जी करेंसी क्या हुआ, एटीपी।